आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बसपा के राज्यसभा सांसद जो हैं रामजी गौतम अभी कुछ देर पहले पटना पहुंचे हैं और राजगीर में पार्टी का सम्मेलन है जिसे वो संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनका मन टटोलेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई अचानक बसपा का बिहार में आना, वो भी उनके राज्यसभा सदस्य का, और यहाँ पार्टी का सम्मेलन करना जिसमें करीब 3000 लोग जुटेंगे जैसा उन्होंने बताया, तो क्या कारण है, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के जनाधार को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं और बसपा जो है लोकसभा की 40 सीटों पर बिहार में लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा राजनीति का खेल जो है ये शुरू हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती को नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने का न्योता निश्चित तौर पर भेजा होगा, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती उस महागठबंधन का जो यहां जुटान हुआ था 23 तारीख को, उसमें वो नहीं पहुंची, लेकिन अचानक अपने राज्यसभा सांसद को भेजती हैं। राजगीर में सम्मेलन बुलाया जाता है बसपा का और उसमें ये नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है कि आखिर बिहार में बसपा का बेस कितना है, क्या कोई आधार है या नहीं जिसे टटोलने आए हैं सांसद रामजी गौतम राज्यसभा के। आखिर कारण क्या है, क्या कहीं ये भाजपा की ही सोची समझी कोई रणनीति तो नहीं है कि वोटों का बिखराव किया जाए ताकि जो भी महागठबंधन के लोग लड़ेंगे यहां वो वोटों का बिखराव करके भाजपा जो है अपने रास्ते को क्लियर करना चाहती है। शायद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अचानक जो है बसपा बिहार में कैसे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, वो भी एक बार कह चुके थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में फूलपुर या बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि फूलपुर में कुर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है जैसा अनुमान लगाया गया। लेकिन अभी ये बात अलग है, लेकिन बसपा ने यहां अपनी एंट्री कर दी है तो इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो निश्चित तौर पर शुरू हो ही जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद रामजी गौतम, सुन ले आप उन्हें। कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है राजगीर में और जिसमें करीब करीब 3000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको लेकर के तैयारी चली है और उसको लेकर पूरे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसको लेकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। 100% हम लोग बड़ी ताकत बन के बिहार में आने वाले हैं और आज हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है। कुछ दिन पहले आते तो विपक्षी एकजुटता में भी शामिल हो जाते हैं बीएसपी के। देखिए, विपक्षी एकजुटता से हमें कोई मतलब नहीं है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। वो तो आने वाला समय तय करेगा क्या हमारा अगला स्टेप होगा क्या नहीं होगा। वो तो हमारा अगला स्टेप जो भी होगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तय करती हैं। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं वो अपना पार्टी के काम को लगा काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का हमारा काम। बिहार में टोटल कुल कितनी सीटों पर आपकी तैयारी होगी? बिहार में हमारी सारी सीटों पर तैयारी है देखिए, और सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिहार में लड़ने का भी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ में रहेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई, एक तरफ जहाँ बीजेपी जो है। तो आपने सुना, ये थे बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, जिन्होंने कहा कि 3000 कार्यकर्ताओं को लेकर जिले के सारे कार्यकर्ता, 4000 जो लोकसभा सीट है वहाँ के लोग आए हैं, वहाँ के नेता आए हैं और हम ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि हम कितनी सीटों पर लड़े। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि कितनी सीटों पर, उन्होंने कहा सारी की सारी सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा निश्चित तौर पर होने लगी कि ये भी भाजपा का कहीं ना कहीं जो है एक सोची समझी जो चाल है वो भाजपा यहाँ खेल रही है। तो देखना यह होगा कि क्या बसपा नीतीश कुमार या लालू यादव को कितना नुकसान पहुंचाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।